साहित्य की विभिन्न विधाओं में लिखते हैं साहित्यकार भगवान अटलानी। भगवान अटलानी की हिंदी और सिंधी में 28 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी है। राजस्थान साहित्य अकादमी के मीरा पुरस्कार सहित 35 पुरस्कार इन्हें मिल चुके हैं। पेश है साहित्यकार भगवान अटलानी से बातचीत। नमस्कार, मैं चांद मोहम्मद। आज हमारे साथ हैं वरिष्ठ साहित्यकार भगवान अटलानी। पिछले 6 दशकों से लेखन से जुड़े भगवान अटलानी की अब तक 28 के करीब किताबें प्रकाशित हो चुकी हैं, जो हिंदी और सिंधी दोनों भाषाओं में है। राजस्थान साहित्य अकादमी के मेरा पुरस्कार सहित तकरीबन 35 पुरस्कार इनको मिल चुके हैं। आज हम इनसे बात करेंगे इनके लेखन के बारे में और साथ ही इनकी जिंदगी से जुड़े कुछ खास पहलुओं के बारे में। भगवान अटलानी जी, आपका स्वागत है। सर, आप वरिष्ठ साहित्यकार हैं, समाज के हिसाब से देखें तो एक समाज में साहित्यकार की कितनी अहमियत होती है, कितनी महत्वपूर्ण भूमिका होती है? इसको लेकर मैं प्रारंभ से सजग रहा हूं जी। यही कारण है कि जो कुछ मैंने लिखा है जी, वो कहानी हो, एकांकी हो, नाटक हो, निबंध हो, यहां तक कि समीक्षाएं भी हो जी, केवल समस्या की बात मैंने नहीं की है, समाधान की बात भी की है जी। ठीक है कि मैं ये नहीं कहता कि जो समाधान मैं देता हूं वो एकमात्र समाधान है जी, लेकिन समाधान है, रास्ता बंद नहीं हो रहा है जी, रास्ते हैं। आप अगर सोचना शुरू करेंगे तो कोई ना कोई रास्ता मिल जाएगा जी। समस्याओं के सामने परास्त होने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये साहस अगर मेरी रचनाएं दे पाती है तो मुझे लगता है कि सामाजिक संलग्नता जी, सजगता की का ही उसका एकमात्र कारण हो सकता है। आपकी जो अब तक का जो लेखन रहा, उसमें आपको लगा कि किन किन बड़ी समस्याओं के समाधान आपने अपने लेखन में पेश किया, मोटे तौर पे देखें तो? चांद जी, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि मैंने बड़ी सामाजिक समस्याओं को उठाया है जी, जी। लेकिन मुख्य तौर पर भ्रष्टाचार जी, मुख्य तौर पर समाज में जो हमारे परस्पर व्यवहार है जी, जी, असंवेदनशीलता, इनको लेकर मेरी कई कहानियां हैं। आपको क्या लगता है, लेखन जो है वो स्वांत सुखाई के लिए होना चाहिए या उसमें सामाजिक हित का होना जरूरी है? चांद जी, तुलसीदास जी ने कहा था जी कि स्वांत सुखाय ही लेखन होता है जी, जी। मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहले लेखन स्वांत सुखाय होता है जी, लेकिन मात्र स्वांत सुखाय लेखन नहीं होता जी, क्योंकि दूरगामी उसके प्रभाव होते हैं और जो दूरगामी प्रभाव है उनको अगर हम भुलाकर अपने सुख के लिए सब कुछ लिखेंगे जी, तो शायद गलत करेंगे। मतलब सामाजिक हित उसमें शामिल होने चाहिए, होना ही चाहिए जी। जी, आपको क्या लगता है साहित्यकार समाज को बदलने में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है? बदलने से मतलब यहाँ उसकी कुरूतियां कह सकते हैं, उसकी कमियां या और ऐसी चीजें जो सामाजिक हित में नहीं है उन पे प्रहार करके वो एक चेतना जैसा काम तो कर ही सकता है। मुझे ऐसा लगता है जी कि सामाजिक चेतना की दृष्टि से जी बड़े पैमाने पर पत्रकार जैसा रोल अदा कर सकते हैं जी, वैसा साहित्यकार नहीं कर सकता जी। साहित्यकार का काम संस्कारित करना है, संस्कारित करना। तूफान आता है उधर जाता है, पत्रकारिता तूफान ला सकती है लेकिन तूफान उतरेगा भी जाएगा भी, साहित्य तूफान की तरह नहीं आएगा जी, स्थाई होगा, संस्कार की तरह होगा, उसके दूरगामी लाभ मिलेंगे लेकिन वो संख्या बहुत बड़ी नहीं होगी। आप जो लेखन की तरफ आए वो मतलब इसके पीछे मकसद क्या रहा, किस मकसद को लेके आपने इस फील्ड को चुना? चांद जी, मैंने चुना नहीं, मुझे कई बार ऐसा लगता है कि ये शायद पूर्व जन्मों के संस्कार थे जी। जी, बहुत बचपन से जब बच्चे को खेलना होता है तभी से मैं यही पसंद करता था और मैं कई बार मजाक में कहा भी करता हूं, साइंस में एक प्रक्रिया होती है सब्लिमेशन जी, जी। ठोस द्रव में बदलता है, द्रव गैस में बदलता है जी। लेकिन कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो द्रव में नहीं बदलते, तो उससे सीधे गैस में बदल जाते हैं। इंसान की जिंदगी में भी बचपन, जवानी और बुढ़ापा, मोटे तौर पर ये तीन स्थितियां बनती हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे जीवन में जवानी आई नहीं, बचपन से सीधा बुढ़ापा है। मैं इस बात को इस तरह कहता हूं, 1974 में मैंने उपन्यास लिखा था हाशिया गवाह,
वो उपन्यास 88 में छपा। 1974 माने जब मैं बैंक की नौकरी में जी। कुल मिलाकर 5 साल पुराना था और ये उपन्यास उस व्यक्ति की के ऊपर लिखा हुआ है जिसको सेवानिवृत्ति के बाद सामाजिक जीवन कैसे गुजारना चाहिए। जी जी। कहानी और उपन्यास में जो आपने सब्जेक्ट लिए, किस तरह के सब्जेक्ट ज्यादा शामिल हुए दोनों में? सामाजिक मनोवैज्ञानिक दोनों का एक सम्मिश्रण था। जी जी। मनोविज्ञान मेरी कहानियों और उपन्यासों में प्रमुख रूप से आया है, लेकिन सामाजिक संलग्नता उसके साथ 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 जुड़ती चली गई। इसमें जो आपने किरदार लिए कहानियों में और उपन्यासों में, तो वो एक समाज के किस तरह के पात्रों को आपने इसमें शामिल किया और किस तरह का मैसेज उसमें उन किरदारों में शामिल रहा? चांद जी, जैसा प्रारंभ में मैंने कहा जी, मैं केवल समस्या नहीं उठाता जी, समाधान की बात भी करता हूँ। मेरा एक उपन्यास है इंद्रधनुष क्षितिज के जी। जब इस उपन्यास को मैंने लिखा तो 100-150 लोगों से मैंने बात की जी, इस देश के सामने समस्याएं क्या है, ये प्रश्न पूछते एक पिटारा खुल जाता था। एक आदमी से मैं सवाल पूछता हूँ, वो 10-10, 12-12, 15-15 समस्याएं बता रहा है जी। मेरा समापन होता था कि इनका समाधान क्या है, किसी के पास कोई जवाब नहीं होता था। अंततः बिना समाधान के हम कहां जाएंगे जी जी। इस उपन्यास में समस्याओं के साथ समाधान की भी बात की है जी जी। और ये कहानियों में भी, एकांकियों में भी, उपन्यासों में भी सतत चेष्टा रही है जी जी। कि समाधान की बात हम करें। जो लोग कहते हैं कि समाधान की बात नहीं करनी चाहिए, ऐसी भी एक धारा है साहित्य में जी जी। जो कहती है कि हमें यथास्थिति का वर्णन करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है कि यथास्थिति का वर्णन तो फिर पत्रकारिता करेगी जी जी। आप अगर कोई न्यूज आइटम लिख रहे हैं, भले ही आप उसको स्टोरी कह रहे हो, लेकिन वो यथास्थिति का वर्णन ही होता है जी जी। आप संपादकीय में या संपादकीय पृष्ठ पर जो लेख छपते हैं उनमें भले ही अपना ओपिनियन दें, विचार दें जी जी। लेकिन खबर में कोई ओपिनियन नहीं होता जी जी। खबर तो ज्यों की त्यों होती है। अगर हम खबर की तरह कहानी लिखेंगे, खबर की तरह रचनाशीलता हुई, सृजन होगा, तो फिर पत्रकारिता में और साहित्य में अंतर क्या होगा? आपको क्या लगता है किसी भी फील्ड में कामयाब होने के लिए दीवानगी और जुनून जो है वो क्या मायने रखता है, कितनी अहमियत है इसकी? मेरे विचार से सबसे ज्यादा अहमियत यही रखता है जी। योग्यता पीछे छूट जाती है, इसलिए कहा गया है जी। कि इंटेलिजेंस और डिलीजेंस जी, कर्मठता और समझदारी योग्यता जी, इन दोनों में अगर एक को चुनना हो तो कर्मठता को चुनना चाहिए। और ये देखने में आया है कि जो कर्मठ लोग हैं वो सफल होते रहे हैं जी जी। जो अकर्मण्य जी जी, सुयोग्य लोग हैं वो पीछे रह जाते हैं। दोनों का अगर तालमेल बैठ जाए तो फिर मिरेकल्स होते हैं जी। आपके लेखन में इस तरह के किरदार आए हों जिन्होंने संघर्ष किया और फिर कामयाबी हासिल की हो, कोई ऐसा कहानी या उपन्यास का पात्र? मेरे लगभग सारे किरदार इसी प्रकार के हैं जी जी। मेरी कहानी शीर्षक कहानी बंद आसमान का आखिरी दरवाजा कहानी संग्रह है, उसकी शीर्षक कहानी, उसमें जो मुख्य किरदार है जी, सेठ पैसा लगाता है कोयले के बुरादे की गिट्टियां बनाना, ये काम उसको करना होता है जी। गारा बनाकर उसमें पांव से रोंद रोंद कर उसकी लुगदी तैयार करना जी, गिट्टियां बनाना, उनको सूखने के लिए डालना, जब काम जम गया 1.5 साल में तो सेठ ने उसको निकालकर एक तरफ फेंक दिया। नए जो लिख रहे हैं आप, नए लेखक, नए कथाकार, नए उपन्यासकार हैं, उनके मामले में क्या कहना चाहेंगे कि उनको किस तरह की मेहनत करने की जरूरत है और किन बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए? चांद जी, मैं ये बात तो निरंतर देख रहा हूँ, केवल लेखन के क्षेत्र में नहीं, प्रत्येक क्षेत्र में देख रहा हूँ। शॉर्टकट्स तलाश करने लगे हैं, जबकि सफलता का कोई शॉर्टकट होता ही नहीं है जी। उसका एक तयशुदा रास्ता है, उस रास्ते पर चलकर ही सफलता मिलेगी। ये जो शॉर्टकट वाली प्रवृत्ति है जी, उस प्रवृत्ति के कारण गहराई कम होती गई है। ऊपर ऊपर से सब कुछ चमक रहा है जी जी। लेकिन अंदर अगर हम जाते हैं तो खोखलापन दिखाई देता है, और ये जो खोखलापन है ये साहित्य में भी दिखाई देने लगा है जी। तो यही कारण है कि 8 से 20 साल पहले, 30 साल पहले, 40 साल पहले, 50 साल पहले जी, जितने नाम साहित्य में प्रमुख रूप से उभरते थे
आज उतने नाम नहीं उभरते। जी जी, ये सबसे बड़ा कारण है उसका, क्योंकि लेखक अपनी तैयारी के साथ नहीं लिख रहा है। जी जी, जितनी तैयारी लेखन की दृष्टि से चाहिए, वैसा कहा गया है वैसे भी कि 100 पेज पढ़ूंगा एक पेज लिखूंगा तब जाकर मैं ठीक लिखूंगा, ये स्थिति नहीं होती है। अब मैं ऐसे लेखक भी देखता हूँ जो कुछ नहीं पढ़ते, कोई पत्र पत्रिका नहीं पढ़ते, कोई किताब नहीं पढ़ते, लेखकों के साथ बैठकर गपशप करते हैं, तो फिर वो तो व्हाट्सएप और फेसबुक भी बहुत है। जी जी, बात है ये सोशल मीडिया की, व्हाट्सएप और फेसबुक, आपको क्या लगता है कि जो सोशल मीडिया है वो साहित्य के लिए कारगर साबित हुआ है या कहीं ना कहीं इसने इसके स्तर को कम किया है? मुझे ऐसा लगता है कि इसने समय की जो बर्बादी है जी उसके संदर्भ में साहित्य को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। जी, आपको नहीं लगता कि जिनको लिखने का शौक है, चाहे वो कहानी लिखे, कविता लिखे या फिर उपन्यास लिखे, उनके लिए इस तरह के ट्रेनिंग सेंटर्स होने चाहिए जो शुरुआती उनका लेखन है वो या शौक है उनका, वहां वो सीख सके और उस विधा में एक अच्छी पकड़ बना सके, अच्छी पहचान बना सके? ऐसे केंद्र हैं देश के जी, लेकिन मेरा अपना ही अनुभव है जी, उन केंद्रों का बहुत लाभ अपने आप को लेखक के रूप में प्रस्तुत करने की दृष्टि से नहीं मिलता जी। आपने जो बात स्वीकार की है ठीक वही बात यहाँ भी लागू होगी, व्यावहारिक पक्ष जी और थ्योरी पक्ष जी, इन दोनों में बहुत ज्यादा दूरी है जी। वहां जो कुछ बताया जाता है जी, उसमें कहानी में शीर्षक हो, कथ्य हो, कथोक कथन हो, उद्देश्य हो, ये सारी बातें बताई जाती है, लेकिन मेरी अपनी कुछ कहानियां हैं जिसमें कथोपकथन बिल्कुल नहीं है। वहां जरूरी माना है, आवश्यकता तो माना है संवाद को, और तो मेरी कहानी में नहीं है और वो कहानी किसी भी तरह कमतर कहानी नहीं है। ये प्रयोग हम तभी कर पाते हैं जब व्यावहारिक जीवन में हम पढ़ रहे होते हैं, लिख रहे होते हैं, देख रहे होते हैं जी जी। उस स्थिति में हमें समझ में आता है, मान लीजिए मैं कोई मनोवैज्ञानिक कहानी लिख रहा हूं, चांद जी इस समय क्या सोच रहे हैं इस पर लिख रहा हूं, अब चांद जी का मुझसे डायलॉग कैसे होगा या किसी और से डायलॉग कैसे होगा, जो उनके अंदर चल रहा है उसी की बात मैं करूंगा। अगर मैं उससे विचलित होकर कुछ करना चाहता हूं तो फिर कहानी के साथ न्याय नहीं करूंगा। ये सारी की सारी चीजें उस प्रशिक्षण केंद्र में जो लेखन सिखा रहा है नहीं आएंगी। वहां थ्योरी तो आएगी, मूल तत्व तो आएंगे, सिद्धांत तो आएंगे, लेकिन व्यवहार वाला पक्ष नहीं आएगा। और दूसरा शायद सबसे बड़ा कारण ये होता है कि जो प्रशिक्षण केंद्रों में प्रशिक्षक होते हैं जी, वे स्वयं कोई बड़े लेखक नहीं होते जी। नए जो लेखक हैं वो, उनको आप किस तरह का संदेश देना चाहेंगे? शॉर्टकट्स की तलाश न करें, संयम के साथ, आग्रह के साथ, साहित्य को उन्होंने चुना है तो बीच में छोड़े नहीं जी, आग्रह पूर्वक, संयम पूर्वक उस दिशा में आगे बढ़ते रहें। सामान्यतः हम सब लोगों के साथ जीवन में अनेक प्रसंगों में होता है जी, हम कोई काम हाथ में उठाते हैं बीच में छोड़ देते हैं जी, जो उत्साह हमारे मन में प्रारंभ में होता है वो धीरे धीरे कम होता जाता है, उसको कम न होने दें। साहित्य सृजन की दृष्टि से हम निरंतर प्रयत्नरत रहें, कभी भी ऐसी स्थिति ना आने दें कि हम अंदर से कहीं कमजोर हुए हैं, अंदर से मजबूत बने रहे, क्योंकि मैं ये देखता हूं निरंतर जो जो वक्त गुजर रहा है त्यों त्यों आयोजनों में भागीदारी को लेकर समय ज्यादा लग रहा है जी। आज भी औसत 3-4 बार मुझे शहर से बाहर जाना होता है, शहर से बाहर गए तो स्वाभाविक रूप से जो पेपर आदि वहां पढ़ने हैं या कहीं अध्यक्षता करनी है, उसका पेपर आया है उसकी तैयारी करनी होगी, यात्रा भी होगी, वहां भी समय लगेगा, कुछ थकेंगे भी, ट्यूनिंग की दृष्टि से मुझे समय नहीं देना पड़ता, लेकिन ये सारी की सारी जो स्थितियां हैं वो आपको साहित्यिक नेता बनाती हैं। साहित्यकार एक तरफ खड़ा रह जाता है, साहित्यिक नेता आप दूसरी तरफ चले जाते हैं। साहित्यिक नेता नहीं बनना है, मूल रूप से मैं साहित्यकार हूँ जी जी, साहित्यिक नेता नहीं हूँ बिल्कुल, और जो कुछ हो रहा है वो इसलिए हो रहा है क्योंकि मैं साहित्यकार हूँ जी, मूल बात तो वही है बिल्कुल। अगर इस बात को मैं समझता हूँ, स्वीकार करता हूँ,
तो फिर शायद कोई विसंगति पैदा नहीं होगी। नए लेखकों को भी इस बात को ठीक प्रकार से समझना चाहिए। शिखर पर जो लोग खड़े हुए हैं वो रातों रात नहीं पहुंचे वहां, बहुत मेहनत की है उन्होंने। बिल्कुल सही। उनको हम यमुना में रात को कपकपाती सर्दी में महल में जलते हुए दीपक को देखकर गर्मी लेने वाले व्यक्ति जैसा तो माने जी, लेकिन सर्दी तो लगेगी। बिल्कुल, उससे तो नहीं बच सकते जी, उसको बर्दाश्त भी करना पड़ेगा। वो ऊर्जा समेट कर अगर नया लेखक आगे बढ़ता है, मुझे लगता है कोई रोक नहीं सकता उसको। चलिए सर, वक्त का तकाजा है, वरना जिस तरह की बातें आप बता रहे हैं उसमें कई अच्छी चीजें निकल रही हैं, और आप हमारे साथ आए, आपने साहित्य और साहित्य के अलावा आम लोगों को एक दिशा देने वाली कई बातें बताई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये थे साहित्यकार भगवान अटलानी, जो साहित्य और साहित्य के अलावा भी अन्य पहलुओं पर अपनी राय रख रहे थे। वक्त हो चला है, हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार। अगली बार फिर मिलते हैं कलांजलि में नई कला और साहित्यिक गतिविधियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।